हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स ने भी 2024 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, चाहे वो एएलपी के लिए कैंडिडेट ने किया होगा, चाहे टेक्नीशियन के लिए किया होगा, या जो भी जिन्हें सीआरपी की जो भर्ती निकली थी उसमें किया है, भले कोई भी सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन निकला 2024 में, यदि किसी ने कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, उन्होंने अपना आधार वेरीफिकेशन नहीं किया, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल गई है। इसके साथ ही जो भर्तियाँ अभी वर्तमान में चल रही है और जो फ्यूचर में जो भर्तियाँ निकलने वाली, जिनका नोटिफिकेशन पे रिलीज नहीं हुआ, उस सभी भर्तियों को लेके भी यहाँ पे एक गाइडलाइन है वो जारी की गई है। अब कैंडिडेट को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अपना आधार वेरिफिकेशन वो करना जरूरी है। जिन कैंडिडेट का आधार वेरिफिकेशन हो चुका है उनको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन कैंडिडेट का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिन कैंडिडेट ने आधार कार्ड की जगह अदर आईडी अपने लगाई है, तो वो अपना आधार वेरिफिकेशन जरूर कर ले। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या क्या जानकारी दे रखी है, किस प्रकार से कैंडिडेट अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकता है, तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, टेक्निकल सरकारी जॉब से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आप लोगों को अपडेट है वो देता रहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जारी किया गया। अटेंशन टू एप्लीकेंट कैंडिडेट्स ऑफ सीएनएस टू बी इश्यूड इन 2024 विथ रिगार्ड टू आधार वेरिफिकेशन, यानी सभी कैंडिडेट जिन्होंने 2024 की वैकेंसी में आवेदन किया है या जो भविष्य में आवेदन करने वाले, तो उन कैंडिडेट को आधार वेरिफिकेशन के संबंध में जारी किया गया। एप्लीकेंट कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन वाइल अप्लाइंग फॉर वेरियस सेंट्रलाइज नोटिस इश्यूज बाई आरआरबी। तो आरआरबी की ओर से जितने भी नोटिफिकेशन है वो जारी किए जाएंगे, में सभी कैंडिडेट्स को अपना आधार से अपना सत्यापन करना है। जरूरी है सबमिटिंग आरआरबी एप्लीकेशन थ्रू द आधार वेरिफिकेशन मोड विल फैसिलिटेट स्मूथ एंट्री टू एग्जामिनेशन सेंटर एंड स्ट्रीमलाइन द पोस्ट एग्जाम प्रोसेस फॉर एप्लीकेंट। आधार वेरिफिकेशन से जो एग्जाम सेंटर का चयन है उसमें भी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे सरल हो जाएगा, और एग्जाम के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें भी यहाँ पे काफ़ी सहूलियत है वो मिल जाएगी। जिन कैंडिडेट ने 2024 में अपना सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, जिसमें आधार कार्ड का यूज नहीं करके कैंडिडेट ने ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड और वोटर आईडी अपनी आईडी के तौर पे यूज किए, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे एक मौका दिया गया है कि वो अपने जो लॉग इन क्रेडेंशियल है उनका उपयोग करते हुए www.rrbapply.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके और अपना आधार सत्यापन है कर सकते हैं। आधार सत्यापन वो वन टाइम प्रोसेस है, उसके बाद में जितने भी वर्तमान भर्तियां और जो आगे की जितने भी भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है उसमें ये ऑटोमेटिकली ही काम आएगा। तो आरआरबी है वो आधार से जुड़ी आपकी जानकारी है, किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी कंपनी के साथ शेयर नहीं करेगी, ये सारी जानकारी प्राइवेट रहेगी। ये सिर्फ रेलवे में जो भर्ती प्रक्रिया है उसको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये की गई है। कैंडिडेट सभी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी विजिट करें। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट किया है, चाहे टेक्नीशियन भर्ती हो चाहे एएलपी भर्ती हो, तो उन कैंडिडेट्स को सभी को अपना आधार वेरिफिकेशन करना जरूरी है। जिन कैंडिडेट का आधार वेरिफिकेशन हो चुका है, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय आधार का यूज किया, तो उन कैंडिडेट की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन कैंडिडेट ने अदर देन जो आधार कार्ड है डॉक्यूमेंट्स यूज किया, तो उन कैंडिडेट को अपना आधार सत्यापन वो करना जरूरी है। तो सभी कैंडिडेट अपना आधार सत्यापन कर ले। ये नोटिफिकेशन आपको और आरआरबी की जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट उन सभी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने जो क्रेडेंशियल लॉग इन क्रेडेंशियल लेने, आपकी जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उसके माध्यम से आप आधार वेरिफिकेशन है वो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके फुली चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में नई वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, को क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।